वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार, NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलते हम टॉपिक की ओर। विभव मापिक की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अर्थात हम बात करेंगे आज विभव मापिक की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब वो बिंदु हमारे पास फर्स्ट है नामांकित चित्र, सेकंड सूत्र की स्थापना या सिद्धांत, थर्ड है विधि यानी कि प्रयोग विधि, और फोर्थ है प्रेक्षण सरणी, और लास्ट फिफ्थ है सावधानियाँ। टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से हमने एक नामांकित चित्र बनाया है, इसमें ए और बी एक विभव मापी का तार है। इस विभव मापी के तार के साथ श्रेणी क्रम में सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH जोड़ा गया है, तथा हमें जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना ज्ञात करनी है वो सेल है E1 और E2। E1 सेल के अंदर कुंजी K1 तथा E2 सेल के अंदर कुंजी K2। दोनों सेलों को एक गैल्वेनोमीटर G से जुड़ा गया है जो कि इस तार के ऊपर ही चलता है और हम रीडिंग नोट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये नामांकित चित्र हुआ। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, सूत्र की स्थापना या सिद्धांत। इस प्रकार हमने लिखा है सेकंड पॉइंट, सूत्र की स्थापना या सिद्धांत। तो इसमें हमने लिखा है, माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। तो देखिए चित्र के अंदर कि ये पहला सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है वो E1 है। आगे लिखा है उसके लिए उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। तो देखिए ये जो A से B जो तार है ये विभव मापी का तार है, और सिरा A पर जो होता है उच्च विभव होता है और सिरे B पर निम्न विभव होता है। अर्थात हम A से B की ओर चलते जाते हैं तो विभव का मान गिरता जाता है, विभव का मान कम होता जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि उसके लिए उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 है, यानी कि इस विद्युत वाहक बल E1 के लिए जब भी हम रीडिंग नोट करेंगे तो उच्च विभव का सिरा A से जहाँ पर भी J जो रुकेगा ये दूरी L1 होगी। ठीक है, हमने ये लिखा है कि बिंदु की दूरी L1 होगी, यानी कि जहाँ पर भी जो रुकेगा वहाँ से उच्च विभव के सिरे A से उस बिंदु की दूरी L1 होगी। तब हमने आगे लिखा है कि तब विभव मापी के सिद्धांत से, और विभव मापी का सिद्धांत हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो विभव मापी का सिद्धांत होता है वो E1 विद्युत वाहक बल की बात कर रहे थे हम, तो E1 इक्वल रो इंटू L1, और हमने इसको नाम दिया है समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। तो देखिएगा चित्र में ये दूसरा सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E2 हमने लिया है। आगे लिखा है उसके लिए उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी L2 है। तो देखिएगा चित्र में इस सेकंड विद्युत वाहक बल के लिए इस उच्च विभव सिरे से A की जो हम दूरी लेंगे वो L2 लेंगे, जहाँ पर भी है जो कि जे रुकेगा। तो वहाँ बिंदु A से उच्च विभव का जो सिरा है यहाँ से इस विद्युत वाहक बल E2 के लिए जो इस J की जो दूरी रहेगी वो L2 रहेगी। तो इस प्रकार विभव मापी के सिद्धांत से, और विभव मापी का सिद्धांत होता है वो हम विद्युत वाहक बल 2 की बात करें इसलिए हमने लिया यहाँ पर E2 इक्वल रो इंटू L2,
और इसको हमने नाम दिया है समीकरण नंबर दो। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण एक में इस समीकरण दो को डिवाइड करेंगे, अर्थात समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देंगे। तो हमने लिखा है समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, और हम जानते हैं समीकरण एक जो है वो इसका LHS पार्ट है L1, और समीकरण दो जो है उसका LHS पार्ट है E2 इक्वल, और समीकरण एक का RHS पार्ट है रो इंटू L1, और समीकरण दो का RHS पार्ट है रो इंटू L2। अब देखिए यहाँ पर रो और रो दोनों सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनली बचा है E1 अपॉन E2 इक्वल L1 अपॉन में L2, और यही विभवमापी का सिद्धांत या विभवमापी का सूत्र है। इस प्रकार हमने इसको एक डिब्बे के अंदर इसको लिख दिया है। अब हम बात करेंगे विभवमापी के अगले पॉइंट की, थर्ड पॉइंट है प्रयोग विधि। इसमें हमने लिखा है कि सर्वप्रथम विभवमापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में सेल सी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH जोड़ते हैं। तो देखिएगा चित्र के अंदर कि ये AB एक विभवमापी का तार है, इस विभवमापी तार के साथ श्रेणी क्रम में सेल सी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH हमने जोड़ा है इस विभवमापी के साथ श्रेणी क्रम में। आगे हमने लिखा है कि जिन सेलों E1 व E2 के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उनके धन सिरों को उच्च विभव के साथ बिंदु A से तथा ऋण सिरों को कुंजी K1 व K2 से जोड़ देते हैं। तो देखिए चित्र के अंदर हमें E1 और E2 जो दो विद्युत वाहक बल है इनके दोनों विद्युत वाहक बलों को हमको तुलना करनी है, तो इन दोनों विद्युत वाहक बलों के धन सिरे को, देखिए ये धन सिरा है ऋण सिरा, और E2 विद्युत वाहक बल के लिए भी ये धन सिरा और ऋण सिरा, तो इन दोनों के धन सिरों को उच्च विभव के सिरे बिंदु A से जोड़ते हैं तथा इन्हीं विद्युत वाहक बलों के ऋण सिरे को कुंजी K1 तथा E2 के लिए कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। आगे हमने लिखा है कि दोनों कुंजी के संयोजक पेंच से धारा मापी जी को जोड़कर उसे, यहाँ पर डबल लिखा गया है, उसे जो कि जे से जोड़ देते हैं। तो देखिएगा चित्र के अंदर K1 और K2 दो कुंजी है, इनके संयोजक पेंच से धारा मापी जी यानी कि गैल्वेनोमीटर जी से हम इसको जोड़ देते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर जी को हम एक जो कि जे से जोड़ देते हैं, जो कि जे जो होता है इस विभव मापी के तार AB के ऊपर ये चलता है, और जहाँ पर भी स्टॉप होता है हम उसकी रीडिंग नोट करते हैं। इस प्रकार ये हमारा थर्ड पॉइंट प्रयोग विधि कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला फोर्थ पॉइंट है प्रेक्षण सारणी। तो इस प्रकार हमने ये प्रेक्षण सारणी बनाई है, इसमें 1, 2, 3, 4 हमको कॉलम बनाना है, जिसमें पहले कॉलम में हम लिखेंगे क्रमांक 1, 2, 3 जितने भी हम रीडिंग लेंगे, जितनी बार हम रीडिंग लेंगे उतने हम क्रमांक इसमें डालेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, यानी कि जो विद्युत वाहक बल E1 है उसके लिए हम बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी की रीडिंग नोट करेंगे। सेकेंड कॉलम में लिखेंगे E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, और हम दूसरे विद्युत वाहक बल के जहाँ पर भी बिंदु A से उसकी रीडिंग होगी वो रीडिंग नोट करके इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, E1 बाय E2 जो हमने सूत्र सिद्धांत की स्थापना की थी यहाँ पे हम उसका रीडिंग करके कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रेक्षण सारणी कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट है, एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सावधानियाँ। सावधानियाँ में पहला नंबर है सभी सेलों के धन सिरे से जोड़ा जाना चाहिए। सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से सभी सेलों के धन सिरे
को एक ही सिरे से जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात हमारे पास जितने भी विद्युत वाहक बल के सेल है उनके सभी धन सिरों को एक ही सिरे से जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर E1 और E2 दो विद्युत वाहक बल है, दोनों विद्युत वाहक बलों को हमने यहाँ सिरा ए से जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट, तार में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब प्रेक्षण ले रहे हो, अर्थात हमें जो विभवमापी का जो सिद्धांत है उसके अंदर तभी विद्युत धारा हमें प्रवाहित करनी चाहिए जब हम उसमें रीडिंग नोट कर रहे हो या प्रेक्षण ले रहे हैं, तभी हमें तार में विद्युत धारा प्रवाहित करनी चाहिए। थर्ड एंड लास्ट, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए अन्यथा तार का व्यास सर्वत्र एक समान नहीं रहेगा। तो देखिए ये चित्र के अंदर ये जॉकी जे है, ये जॉकी जे को हम इस तार जो विभव मापी का तार इस पर हम चलाते हैं इसको हम रगड़कर या टाइट प्रकार से इसको नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि तार का जो व्यास रहेगा वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाएगा जिससे रीडिंग एक समान नहीं आएगी, इसलिए जॉकी को हम तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार हमने आज विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना सीखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रीड करिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।